नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। हमने 300 ग्राम पनीर लिया है, उसको हमने काट लिया है। 2 बड़े टमाटर कटे हुए, 2 बड़ी प्याज कटी हुई, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 20 से 25 काजू, हमारे टूटे हुए काजू हैं, कसूरी मेथी, मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, 1 तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची का पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे छोटी कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम तेल डालेंगे। हमने बहुत कम तेल डाला, आधी चम्मच। इसको हम गर्म करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, लहसुन, इनको हम फ्राई करेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम प्याज, हमारी प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है। अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर, साथ ही हम डाल देंगे काजू। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे दालचीनी और बड़ी इलायची का पाउडर। हमारे सब कुछ हल्का सा गल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। अभी ठंडा हो जाएगा का सा, तब इसको हम मिक्सी में डाल करके बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमने प्याज, टमाटर, काजू और लहसुन को अच्छे से पीस लिया है। उसको फ्राई करके हल्का सा हमने एक कढ़ाई हमने गर्म कर ली है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने 1 चम्मच बड़ी वाली ऑयल डाला है। इसको हम गर्म करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, फ्राई करके हल्का सा हमने जो पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से और फ्राई करेंगे। हम डाल देंगे कसूरी मेथी, इसमें हम क्रीम डालेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम पानी कर देंगे।
आपको जितना पतला करना है उतना पानी कीजिएगा। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी करा है, इस गिलास से नापकर। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हमारा पेस्ट में भी पड़ा हुआ था इसलिए हम नमक अंदाज का डालेंगे। हम इसमें आधी चम्मच नमक और डाल देंगे और हम डाल देंगे गरम मसाला। अब इसमें हम उबाल ले लेंगे। हमने आपको चीनी नहीं बताई थी, इसमें हम आधी चम्मच चीनी और ऐड कर देंगे। हमारे इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर और इसमें उबाल लेंगे। हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है, बन चुकी है हमारी शाही पनीर। और गैस बंद कर देंगे। देखिए बन गया है शाही पनीर। इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। तैयार है हमारे शाही पनीर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।